65वीं ऑल इंडिया पुलिस टेस्टिंग क्लस्टर 2016 का आज ये तीसरा दिन है और बिहार के खाते में सिर्फ एक मेडल गया है। ये मेडल कुश्ती के 65 किलोग्राम कैटेगरी में मनु यादव जी के बदौलत बिहार को मिला है। ये है मनु यादव जो कि 65 किलोग्राम रेसलिंग में बिहार को सिल्वर मेडल दिलाए हैं। तो मनु जी, जीत के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि डायरेक्ट हम कुश्ती में भर्ती हुए हैं और इतना 94 से भर्ती हुए हैं, लेकिन कभी भी व्यवस्था के कारण भी कुछ कमी रह जाता है। हर साल ऑल इंडिया में भी हम जाते थे, लेकिन चौथा पांचवा स्थान आता था, लेकिन इस साल सेकंड में जीत मिल गई। तो जैसे कि बिहार को कुश्ती में 27 साल बाद ये जीत हासिल हुई है, मतलब सिल्वर मेडल मिला है बिहार को, तो आपके हिसाब से इतना बड़ा गैप क्यों हुआ? मतलब 27 साल लग गए एक मेडल दोबारा जीतने में। 27 साल पहले बिहार को इस कैटेगरी में जीत मिली थी या मेडल मिला था, तो इतना बड़ा गैप क्यों हुआ? कुश्ती का भी कुछ कटेरिया बदल गया है। पहले कुश्ती धीमा होती थी, अभी बहुत फास्ट कुश्ती हो गया। पहले मिट्टी पर कुश्ती होती थी, अब मैट पर कुश्ती होता है। मैट पर कुश्ती बहुत फास्ट हो गया है। तो आपको, आपके हिसाब से व्यवस्था कैसी है? मतलब यहाँ पे ये भी एक मेन रोल रखता है कि व्यवस्था अच्छी मिलती है तो खिलाड़ी मतलब आते हैं और जीत हासिल करते हैं। व्यवस्था भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब में। जी, बीएमपी 5 में है कुछ, बीएमपी 10 में अखाड़े है, मिट्टी का अखाड़ा है। खाने पीने का? खाने पीना अपना वेतन से हम लोग खाते पीते हैं। एक्स्ट्रा फैसिलिटी? नहीं, कुछ नहीं। एक्स्ट्रा फैसिलिटी कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है कि खिलाड़ी उतना आ नहीं पाते हैं इस फील्ड में। जी, खुद की सैलरी से आपको सब कुछ करना है। जी, इन सब से हट के आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और कहाँ आप पोस्टेड हैं? अभी पोस्टेड बीएमपी 12 में कटिहार में है। अच्छा, एक महीना पहले हम आए हैं। अच्छा, ऑल इंडिया के ऑल इंडिया में लोग बुलाए हैं तैयारी करने के लिए, एक महीना भर प्रैक्टिस किए हैं। और आप हैं कहाँ से? बगहा बेतिया से हैं। कुश्ती खेलने में आपकी दिलचस्पी कब से हुई? वो हमारे मामा भी कुश्ती से डीएसपी हुए हैं, दशरथ पहलवान। अच्छा, दशरथ यादव। जी, 10-12 साल के थे तो मामा यहीं पर हमको ले आकर अपने साथ रखे थे। इति हुआ कि डायरेक्ट कुश्ती से भर्ती होगा, उसी में हम लड़े। अच्छा। उसमें सबको जीते। यहाँ डीजीपी साहब अभियान यहाँ बीएमपी में डीआईजी थे, वो हमको कुश्ती से भर्ती किए। तो मनु यादव, आपकी आगे की प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? हम तो अपने मन में रखे हैं कि अब मेडल हुआ हमको प्रमोशन भी मिलेगा, सुविधा भी मिलेगा, तो और अच्छा कर सकेंगे। सुविधा में क्या कमी है? हॉल नहीं है, मैट। अच्छा। मैट लगाने के लिए हॉल नहीं है। ये बीएमपी 10 में अखाड़े है, बहुत छोटा है, जितना मैट लगता है उतना जगह है नहीं है। मतलब पूरे बिहार में बस प्रैक्टिस के लिए यही एक जगह है? जी। इससे हटके आप बाकी दिनों में क्या करते हैं? ड्यूटी भी करना पड़ता है। नहीं होती है तो ड्यूटी भी करना पड़ता है। जहाँ भी मान लीजिए कहीं कुछ हो गया, वहाँ भी जाना पड़ता है। तो बाकी स्टेट के खिलाड़ियों के साथ भी क्या यही स्थिति है, वो भी खेल के अलावे फिर ड्यूटी भी करते हैं? नहीं नहीं, जिसे हरियाणा में है खाली सिर्फ सरकार मेडल जो होता है, वो कुछ नहीं जो होता है, ड्यूटी डपाटी कुछ नहीं। आप कहीं रहिए, उसे उसका मतलब नहीं है, खाली उस मेडल के जो होता है। जीतने के बाद आप अपने घर वालों से मिले, उनकी खुशी तो बहुत ज्यादा होगी। नहीं, अभी नहीं मिले हैं, अभी तुम्हारी छुट्टी छपाटी होगा तब न मिलेंगे। तो बात हुई ऐसे तो मोबाइल पर बात हुई की, और मेरे पापा भी पहलवान है। कुछ बताए अपने फादर के बारे में? किसान है, किसानी करते हैं, पहलवानी पहले किए थे, इसीलिए हमको भी पहलवानी कराए। पुलिस में आपकी भर्ती कैसे हुई, खेल के बेसिस पे या फिर? खेल के। अच्छा, खेल के आधार पर। अच्छा। हाँ, उसमें पूरा बिहार का ओपन बिहार हुआ, उसी में हम फर्स्ट आए। उसमें अभय बाबू अभियानंद थे, अनाउंस किए कि जो इसमें फर्स्ट सेकंड किया है उसको भर्ती करेंगे हम, तो फिर पूरा ट्रायल का विज्ञापन हुआ। उस विज्ञापन में बहुत पहलवान लोग आए,
उसी में अपना वेट में 48 किलो, उस समय 48 किलो वेट था, उसी वेट में हम भर्ती हुए, सबको पटक कर भर्ती हुए जीत कर। अच्छा। यहीं पर मेरा ट्रेनिंग होता है, कामेश्वर जी कोच हैं, वही कराते हैं। गिर जाएगा फिर निकलेगा नहीं मेरा, ये बहुत गंदा है।